हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एप्पल कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। इसकी फुल लेंथ है 41 इंचेस, इसमें से 4 इंच कट करना है। कम करने के बाद में होगा आपको 37 इंचेस। प्लस टू करेंगे, जो जैसा कि शोल्डर में 1/2 इंच बढ़ाना है और 1.5 इंचेस दामन में विड्थ साइड, तो टोटल होगा 39 इंचेस। लेंथ इज 39 इंचेस, शोल्डर इज 2.5 इंचेस, उसका 1/4 होगा 6 1/4। चेस्ट राउंड है 36, उसका 1/4 होगा 9 इंचेस। वेस्ट राउंड है 32, उसका 1/4 होगा 8 इंचेस। हिप राउंड 40 इंचेस, उसका 1/4 होगा 10 इंचेस। विड्थ है 40 इंचेस, उसका 1/4 होगा 10 इंचेस। स्लीव लेंथ 10 इंचेस एंड स्लीव विड्थ इज 8.5 इंचेस। ये जो 1.5 इंचेस है बॉटम का है, बॉटम को फोल्ड करने के बाद में लेना है टोटल 10 इंचेस लेंथ लंबाई इसकी। ये विड्थ की लंबाई है 8.5 इंच और बॉटम विड्थ इज 5.5 इंचेस, प्लस 1 करके 6.5 इंचेस पर कटिंग करेंगे। नेक लेंथ है 5.5 इंचेस एंड नेक विड्थ इज 5 रहेगा, उसका 1/4 होगा 2.5 इंचेस। अभी हम कटिंग करना बताएंगे, किस तरह से कटिंग करते हैं। ये 4 फुल क्लॉथ है, फ्रंट साइड अंदर की ओर जाना है एंड बैक साइड बाहर की ओर आना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड फोल्ड कर लें इस तरह से, अच्छे से क्लॉथ को फोल्ड कर लें। मार्जिन डाल लें, इस तरह से मार्जिन डाल लें। लेंथ इज 39 इंचेस, 4 इंच कम करने के बाद में 39 इंचेस होगा इस तरह से। लेंगे शोल्डर है अपना 2.5 इंचेस, तो उसका 1/2 हो गया 6 1/4, 6.25। और इस साइड से आर्म होल साइड से भी आपको 6.25 लेना है और इस साइड से भी 6 1/4। इस तरह से शेप डालेंगे। नेक विड्थ 5 है, तो उसका 1/2 यानी कि 2.5 इंचेस लंबाई है। लेंथ 5.5 इंचेस। शोल्डर के लिए 1/2 इंच लेंगे। कफ शेप के लिए 1.5 इंचेस इस तरह से शेप देंगे। इसमें 6, तो इसका
हाफ लेंगे जी, इस साइड से शेप के लिए शेप बना करके फ्रंट कर्व बनाएंगे इस तरह से। चेस्टीज 9 है अपना, तो उसने 1 इंच कटिंग के लिए रखें, एंड ये हो गया स्टिचिंग के लिए, तो टोटल हो गया चेस्ट 10। शोल्डर से चेस्ट, चेस्ट से लेके ये है वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन रहेगा आपका 10 वेस्ट है 8 स्टिचिंग के लिए एंड कटिंग के लिए टोटल 9 लेंगे हम इस तरह से। एंड दिस इज हिप लाइन, हिप लाइन है 20 रखें या फिर 21 रखें। इसमें 1.5 इंचेस बढ़ा है तो टोटल होगा 11.5 इंचेस इस तरह से। इस शेप देना है, इस तरह से ये स्टिचिंग मारनी है। नेक की शेप देंगे इस तरह से, नेक का शेप है इसी तरह से। साइड में भी मार्किंग डाल करके शेप देंगे इस तरह से, 2 इंच साइड से लेंगे हम इस तरह से। थोड़ा सा शेप बना दें, इस मार्क को इस मार्क से मिला लें। अब शेप देंगे किस तरह से लेना है, इस तरह से ड्राफ्टिंग हो चुकी है। कटिंग करेंगे इसे,
इस तरह से कट कर लें। बैक ये फ्रंट नेक था, बैक नेक को बाद में भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह से कट कर लें। कट कर लें। इस तरह से कटिंग होती है। अभी दामन सेट कट करेंगे कप के सेट इस तरह से। थोड़ा सा कट कर लें। ये फ्रंट आर्म हो गए। इस तरह से निकालें। बैक में भी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये फ्रंट का ये बैक हो गया। अभी हम स्लीव की कटिंग बताएंगे किस तरह से करना है। इस तरह से पचका लगा लें। पचका लगाने से आपको अच्छे से कटिंग ना स्टिचिंग में आसानी होगी। इस तरह से स्लीव की कटिंग बताएंगे। इस तरह से क्लॉथ को लें। मार्किंग डालें इस तरह से डाल करके लेंथिस। टेन इंचेस ये हाफ इंच स्टिचिंग के लिए एंड ये कर्व के लिए तो इसमें ऐड हो गया 3.5 inches। इस तरह से ये हो गया।
इस साइड से 2 एंड इस साइड से 3.5 इंचेस। इसके बाद साढ़े 9 भी रख सकते हैं आप एंड 10 भी रख सकते हैं, 10 क्लॉथ ले करके कफ के लिए। फिर उसके बाद में इस तरह से कट करें, बाद में आपका कफ के हिसाब से ही आर्म होल का कटिंग करेंगे। आर्म होल ले लीजिए 5.5 इंचेस रहा तो उसमें 6.5 इंचेस बॉटम के लिए लेंगे, ये 1.5 इंचेस फोल्डिंग के लिए है इस तरह से। शेप देंगे इस तरह से, कटिंग करेंगे। इस तरह से कफ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे।